हेलो गाइस, माय नेम इज़ नेहा आर्या। आज मैं आपके सामने लग रही हूँ कोर वर्कआउट, 5 वर्कआउट है और आपको अपनी बिजी लाइफ से सिर्फ और सिर्फ 10 मिनट निकालना है। सो आप ये 10 मिनट निकालिए और वर्कआउट करिए और इससे बहुत सारे बेनिफिट्स हैं, आप करने के बाद खुद समझ जाएंगे। पहला बेनिफिट है कि फैट लॉस होगा, आपके एब्स के लिए भी बहुत अच्छा है, आपका स्टेमिना बिल्डअप करने के लिए भी बहुत अच्छा है और आफ्टर वर्कआउट आप इतना फ्री महसूस करोगे, इतना अच्छा आपको लगेगा कि आप डेली वर्कआउट करना चाहोगे। अभी हम लोग वर्कआउट करते हैं एंड आपको क्या क्या केयर करना है वर्कआउट के टाइम, ये मैं आपको साथ साथ में बताती जाऊंगी। एंड सबसे ज़रूरी चीज़, वर्कआउट के पहले आपको एटलीस्ट 30-40 मिनट्स बिफोर कुछ लेना है, लाइक फ्रूट्स ले सकते हैं आप या लाइट स्नैक्स ले सकते हैं। एंड वर्कआउट के पहले आपको स्ट्रेचिंग करनी होगी एटलीस्ट 5-7 मिनट्स। एंड हम लोग का नेक्स्ट वर्कआउट स्ट्रेचिंग के ऊपर भी होगा, आप वो वीडियो देख के स्ट्रेचिंग बेसिक आप सीख सकते हैं एंड कर सकते हैं। हम लोग अभी स्टार्ट करते हैं वर्कआउट। आई होप आप सब मेरे साथ वर्कआउट में कनेक्ट रहेंगे एंड करेंगे। एंड ये 5 वर्कआउट है जिसको आपको, मैं 20 काउंट्स कर रही हूँ बट आपको 20 के 3 सेट्स करने हैं और आगे कैसे करना है ये सब मैं आपको बताऊंगी। कनेक्ट विथ नेहा, थैंक यू। सिट अप, साइड लेग राइज, माउंटेन क्लाइंबर, प्लैंक साइड ड्रॉप एंड हाई प्लैंक। रेडी टू द वर्कआउट गाइज। हमारा फर्स्ट वर्कआउट है सिटअप, जिसमें आपको सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपको बैक स्ट्रेट रखना है, नी फोल्ड रहेगा एंड आपको अप आने के टाइम ब्रीद आउट करना है। एंड आप यदि डाउन जा रहे हैं आपको सांस नहीं रोकनी है, आप ब्रीद इन करिए एंड अप आने के टाइम आप ब्रीद आउट करिए। ये वर्कआउट आपके स्पेशली कोर के लिए है, आपके एब्स के लिए है एंड आपके बैक के लिए भी है। आप ये वर्कआउट करने के टाइम आपको ये ध्यान रखना है कि आपका बैक स्ट्रेट होना चाहिए, आपको बैक फोल्ड या नेक डाउन नहीं करना है। एंड ये सेट 20 काउंट्स के 3 सेट्स होंगे, हर सेट्स के बाद आप 5-10 सेकेंड का ब्रेक ले सकते हैं। टेक अ ब्रेक। एंड सेकेंड वर्कआउट के लिए हम रेडी होते हैं। सेकेंड वर्कआउट है हमारा साइड लेग राइज। आपको इसमें साइड लेटना है एंड आपको इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है जो ध्यान रखनी है कि आपका नी बैंड नहीं होगा एंड लेग आपके फ्लोर पे टच नहीं होगा। आप देख रहे हैं कि नी आपका लेग अप हो रहा है एंड डाउन हो रहा है बट फ्लोर पे टच नहीं हो रहा है। एंड सेकेंड इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि आपका नी भी फोल्ड नहीं है। आपको ये 20 काउंट्स करना है, 20 काउंट्स के 3 सेट्स आपको करने हैं एंड आपको अभी साइड चेंज करना है फॉर अदर लेग। इसका भी सेम है, आपको साइड ले डाउन होना है एंड लेग अप एंड डाउन करना है, लेग फ्लोर पे टच नहीं होगा एंड नी फोल्ड नहीं होगा। इस साइड भी आपको ये सेट 3 टाइम्स करना है, 20-20 काउंट्स। आप चाहे तो काउंट्स धीरे धीरे बढ़ा भी सकते हैं, लाइक 30-30 काउंट्स भी कर सकते हैं। ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आपको 20 करना है 30, बट स्टार्टिंग में आप 20 से स्टार्ट कर सकते हैं। आफ्टर दिस वर्कआउट आप ब्रेक ले सकते हैं 5-10 सेकेंड मैक्सिमम। टेक अ ब्रेक। एंड हमारा थर्ड वर्कआउट के लिए हम रेडी होते हैं माउंटेन क्लाइंबर। आपको इसमें ध्यान रखना है कि आप हाई प्लैंक की पोजिशन में आएंगे एंड आपका बैक अप होगा ना डाउन होगा, वो प्रॉपर पैलर होगा एंड आपको लेग अंदर फोल्ड करना है। आप चाहे तो थोड़ा स्लो भी कर सकते हैं, वो आपके स्टेमिना एंड के ऊपर ही डिपेंड करता है। एंड ये भी सेट आपको 20-3 करना है। एंड हमको अब रेडी होना है हमारे नेक्स्ट वर्कआउट के लिए। नेक्स्ट वर्कआउट है प्लैंक साइड ड्रॉप, जिसमें आपकी पोजिशन होगी लोअर प्लैंक की एंड आपको अपना पेल्विक राइट एंड लेफ्ट की तरफ डाउन करना है एंड ये केयरफुली करना है जिससे आपको चोट भी ना आए एंड आपका नी फोल्ड नहीं होगा, नी स्ट्रेट होगा। एंड आपका जो टो है उस टो के बेस पे ही आपको होल्ड करना है। आप ये केयरफुली करेंगे एंड आपको पेल्विक अप एंड डाउन भी नहीं करना है, पैलर पोजिशन में ही होगा। एंड ये है 20-3, सेम सेट है, 20 काउंट्स के आपको 3 सेट्स करने हैं।
एंड हमारा लास्ट वर्कआउट है हाई प्लैंक। हाई प्लैंक में आपको आपके एल्बो फोल्ड नहीं करने हैं, वो स्ट्रेट होगा एंड आपकी बॉडी भी पैरेलल होगी एंड आपको ओनली ये होल्ड करना है, इसमें कुछ भी नहीं करना है। सो आपको 20 काउंट्स होल्ड करना है एंड ऐसा 3 टाइम्स करना है। सो आपने वर्कआउट किया, मैंने तो अपना सेट फिनिश कर लिया, आई होप आप सब ने भी किया होगा। सो मुझे बताइए कि आपको कैसा फील हुआ, आपको मज़ा आया या नहीं एंड आपको अगला वर्कआउट किस बॉडी पार्ट के लिए चाहिए। वैसे ही वर्कआउट कोर के लिए तो है ही, बट आपका पूरा बॉडी वर्क करेगा, आपको पूरी बॉडी में समझ आएगा कि कुछ तो आपने किया है। तो ये बेस्ट वर्कआउट है आपके कोर के लिए, आपके फुल बॉडी वर्कआउट के लिए। नेक्स्ट कौन से पार्ट के लिए आपको वर्कआउट चाहिए ज़रूर मुझे बताइए, मैं वीडियो जल्दी ही आपके सामने पेश करूँगी। सो थैंक यू गाइस, लव यू, बी सेफ, स्टे होम। आप घर पे अच्छे से वर्कआउट करिए और हेल्दी रहिए। बाय।